नमस्कार, मैं हूं शेफाली और अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जीवाजी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी विशेष रूप से मौजूद रहे। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने विभिन्न संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वर्ण पदक विजेता छात्र छात्राओं एवं उनके प्राध्यापकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज यहाँ जितने भी विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई है, वे देश के शिक्षित नागरिक हैं। शिक्षा का व्यावहारिक उपयोग देश और समाज के हित के लिए करें। वर्तमान में भूमंडलीकरण का दौर है। बदलते समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। वर्तमान में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमें व्यावहारिक शिक्षा की ओर कदम बढ़ाना होंगे। शोध व अनुसंधान को व्यापकता प्रदान करनी होगी। गुरुवार को जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल और कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से कहा कि यह एक पड़ाव है, जीवन में बहुत आगे जाना है, हमेशा सीखते रहने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि सोच समझ कर विषयों को चुनाव करें और इस प्रकार की योजना से अध्ययन करें जिससे विकास में योगदान हो। उन्होंने कहा, छात्र अध्ययन करके सरकार को बताएं कि किस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए। विद्यार्थी सरकार को अपनी रिपोर्ट एवं फीडबैक दें। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण एवं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि युवा लक्ष्य बनाएं और उसे पाने के लिए खूब मेहनत करें और लक्ष्य की प्राप्ति करें। उन्होंने कहा कि कॉलेज में पढ़ाई का समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। समय के महत्व को समझते हुए आगे बढ़े। यह भी जरूरी है कि शिक्षा का उपयोग समाज के लिए कैसे करना है। उन्होंने कहा, यदि अभी दृढ़ निश्चय से आगे नहीं बढ़ोगे तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। उन्होंने सभागार में उपस्थित युवाओं से कहा कि खुली आंखों से सपने देखें और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करें। दीक्षांत समारोह में विभिन्न संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को उपाधि और मेडल दिए गए, जिसमें श्वेता जैन, वर्षा भिलवार, आरती प्रजापति, सृष्टि उपाध्याय, अपूर्वा सिंह भदौरिया, मीनाक्षी कुमारी सहित कई लोगों को उपाधि और मेडल दिए गए हैं। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती संगीता शुक्ला, विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के प्रोफेसर, उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक उपस्थित रहे। जैसा परमात्मा का करोगे। हमारे जो अनन्य काम हो उन्हीं का निष्ठापूर्वक अनुसरण करो, यही अनुशासन है। अर्चिता श्रीवास्तव, स्वर्गीय श्री अमर नारायण श्रीवास्तव, एमएससी बायोकेमिस्ट्री। प्रत्येक विश्वविद्यालय के बड़े गौरव की बात होती है कि उनके यहाँ दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है। ये जितने छात्र छात्राएं जो डिग्री प्राप्त करते हैं पिछले एक वर्ष में सेक्शन सत्र में, उनको सबको डिग्री प्रदान की जाती है, जिसमें आज के जो डिग्री जो कार्यक्रम है उसकी हमारे जो अध्यक्षता करेंगी माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय आनंदीबेन जी करेंगी, और उनके साथ जो है हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी जी रहेंगे मामले, और उनके साथ ही हमारे पद्मश्री उमातुली जी हैं, उनको वो दीक्षांत भाषण देंगी। और इसमें लगभग 300 छात्र छात्राएँ डिग्री प्राप्त करेंगे आज, और 52 गोल्ड मेडल प्राप्त करेंगे। और उन जो छात्र डिग्री प्राप्त करेंगे निश्चित रूप से उनके गौरव की बात है, और वो अपने को आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रदान की जा रही है। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी विशेष रूप से मौजूद रहे। ग्वालियर संगीत एवं कला की नगरी है। संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली है। ग्वालियर का संगीत एवं कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी योगदान को देखते हुए प्रदेश का एकमात्र संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया है, जिसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 25,000 तक पहुँच गई है। संगीत न केवल मनोरंजन बल्कि मन को शांति प्रदान करता है। यह बात प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अपने उद्बोधन में कही। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय में ध्रुपद केंद्र का भी संचालन किया जा रहा है। ध्रुपद एवं अष्टांग गायकी का प्रभाव तो सभी घरानों में देखा जा सकता है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी प्रदेश के साथ देश भर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा, संगीत तो चारों ओर है, चाहे किसान के लहलहाते खेत हों या भक्ति, संगीत चारों तरफ अपनी प्रभावी छाप छोड़ता है। यह मैं अनुशासित करता है।
गुरुवार को राजा मानसिंह तंवर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। यह समारोह किसी महाविद्यालय के सभागार में रखा गया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी छात्राओं से कहा कि ज्ञान अर्जित करने के लिए कड़ी साधना करनी पड़ती है, हमें हमेशा सीखते रहने का प्रयास करना चाहिए, संगीत एवं कला में निरंतर अभ्यास से ही निखार आता है। उन्होंने कहा छात्र छात्राएं पढ़ लिख कर डिग्री लेने तक ही सीमित न रहें बल्कि देश व समाज में विकास में भागीदार भी बने। ग्वालियर व्यापार मेले का समापन 27 फरवरी को हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद रहे। इस बार मेले का कारोबार 500 करोड़ से अधिक रहा। मंच पर पधारे हुए सभी अतिथियों का, विशिष्ट जनों का श्री पीसी वर्मा जी स्वागत कर रहे हैं। और उसको देखा कि यहाँ का मार्केट मेले का जो टर्नओवर है कितना हो गया मालूम है आपको? आप बताइए सर, जनता का ये लगातार ये रहता है कि मेला जिस तरह से लगा हुआ है उसी तरह से लगातार उसमें और भी गतिविधियाँ चलती रहे। आपको आने वाले समय में आपको देखेगा मेला इतना भव्य रूप लेगा कि जो प्रगति 15 साल में रुक गई थी मेले की, अब आने वाले इन 2-3 सालों में आपको दिखेंगे। सर, पहली बार 50% छूट मिली है मेले में अंदर जो आपको सरकार ने आने के बाद, इसमें आप क्या बताइए देना चाहते हैं? ये हमारे नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्वालियर की जनता को, ये सरकार तो जनता की सरकार है और जनता के हितों के लिए काम करेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु ने जयारोग्य अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कमियां पाए जाने पर नाराजगी भी व्यक्त की। अरे हम करवा देंगे। क्या हो गया तो? पेट दर्द हो रहा है। सुपर स्पेशलिटी कोर्स आ रहे हैं ग्वालियर, इंदौर, रीवा, जबलपुर, भोपाल जैसे बड़े अस्पतालों में, और सुपर स्पेशलिटी के माध्यम से हम लोग स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। अभी मैंने वायरोलॉजी लैब 2 शुरुआत की है, एक इंदौर के अंदर, किसका मोबाइल बज रहा भाई, एक इंदौर के अंदर और दूसरा भोपाल के अंदर। भोपाल में बड़ी एक लेबोरेटरी आ रही है जिसमें क्या होता है कि हम लोग स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया के जो केसेस थे वो बाहर भेजते थे, 3-4 दिन लग जाते थे, तो अब भोपाल के अंदर ही ये सैंपल की सुविधा हम लोग कर दिए। अभी मैं 21-22 को ही मैं उसका शुभारम्भ करके आई हूँ, तो वो सारे सैंपल्स कलेक्ट करके तुरंत तुरंत वहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। ऐसी एक लेब छोटी का शुभारंभ हमने अभी इंदौर में शुरुआत की है जिसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अभी शुरू करने हो रहा है। हमने उसके लिए 9 पोस्ट भी सेंक्शन मैंने अभी करवाई, परसों ही मुझे उसकी सेंक्शन मिल गई है 9 पोस्ट की, जिसमें स्पेशलिस्ट रहेंगे जो कि ये लेब का संचालन करेंगे। इसके साथ ही ट्रॉमा यूनिट सेंटर भी हमारा आ रहा है। फिर हमने लास्ट जो 4 दिन का मेरा हम लोग का सत्र था, आखिरी के दिन मैंने ट्रामा ऑर्गन ट्रांसप्लांट की हम लोग एक संकल्प लेके आए। उस संकल्प के माध्यम से किडनी ट्रांसप्लांट
और आपका लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधाएं अब हमारे प्रदेश में ही 6 महीने से 1 साल के अंदर शुरू हो जाएगी। जो बड़े हॉस्पिटल हैं कोशिश करेंगे, हमारा इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर को भी हम उसमें लेंगे और ये जल्दी शुरू होंगी, ताकि जो आप देखते हो कि दूसरे प्रदेशों में जिस तरह से रैकेट पकड़े जाते हैं किडनी के, और एक एक्ट के माध्यम से जो ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है उसके माध्यम से हम लोग इसको रेगुलर कर रहे हैं। रेगुल करने से जो 20-25 लाख बेचारे गरीबों को लगता है बाहर से, वो हमारे यहाँ बहुत कम सस्ते में करीब करीब 2.5 से 3 लाख में अपने यहाँ ऑपरेशन की सुविधा मिल जाएगी, उसको 6 महीने से 1 साल के अंदर शुरू कर रहे हैं। बीना में जय किसान ऋण योजना के अंतर्गत किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर द्वारा बांटे गए। इस दौरान पत्रकार कल्याण परिषद ने एक ज्ञापन भी मंत्री को सौंपा। बीना में किसान ऋण माफी पत्रक वितरण कार्यक्रम में सागर जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर आज पधारे। सभी किसानों को ऋण माफी पत्रक बांटे गए। इसी क्रम में बीना इकाई के पत्रकार कल्याण परिषद बीना इकाई द्वारा रैली में पत्रकार पर हुए हमले के विरोध में मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। मंत्री जी ने सख्त कार्रवाई करने को कहा। ज्ञापन सौंपने वालों में जुझाड़ सिंह राजपूत, राजीव व्यास, संतोष झा, असलम बैक्स, हेमंत गोलदांच, विक्रम ठाकुर, नीरज राय, सचिन पवार जी, वीरेंद्र राजौरिया जी, लक्ष्मण सिंह राजपूत एवं समस्त पत्रकार शामिल रहे। भैया चूंकि जो आपका कर्जा माफ होना है ये पिछले वर्ष के वित्तीय वर्ष के पहले का है और ये सतत प्रक्रिया है, जिनके आज हो गए उनको बधाई। अब चूंकि समय सीमा में इसको करना है और जल्दी जल्दी इसको निपटारा करना है और दिक्कतें बहुत सारी है। एक साथ पूरा इतना बड़ा प्रदेश है, इतने सारे किसान है, 55 लाख किसान है मध्य प्रदेश में जो रजिस्टर्ड है। मुरैना एडिशनल एसपी रहे अनुराग सुजानिया और सीईओ जिला पंचायत सोनिया मीणा का विदाई समारोह चंबल पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित किया गया। मुरैना में चंबल पब्लिक स्कूल में विदाई एवं सम्मान समारोह रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुरैना के एडिशनल एसपी अनुराग सुजानिया, जिला पंचायत सीईओ सोनिया मीणा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ग्वालियर से आए डॉक्टर सुरेश सम्राट के द्वारा कार्यक्रम में हिंदी राष्ट्रीय पत्रिका विप्र टुडे के संपादक आनंद त्रिवेदी के सानिध्य में इस आयोजन को किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंचा सिंह पर मुरैना के उद्योगपति और समाजसेवी अनिल सिंगल और पत्रकारगण मौजूद रहे। इस अवसर पर सोनिया मीडिया और एडिशनल एसपी अनुराग सुजानिया ने मुरैना में बिताए हुए कार्यकाल के बारे में जानकारी दी। चार्ज में हूँ और मैं रिलीव नहीं हुई हूँ, तो ये पहला मेरा सो कॉल्ड विदाई मतलब कार्यक्रम हो रहा है। तो काम किया मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि वो व्यक्ति को मारते मारते नीचे गिरा दिया तो वो उसके ऊपर लेट गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नकली ऑयल बेच रहे 3 दुकानों पर पुलिस ने मुरैना में कार्रवाई की। मुरैना सिविल लाइन थाना पुलिस ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का नकली ऑयल बेच रहे 2 ऑटो पार्ट्स व्यापारियों की 3 दुकानों पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 20 बाल्टी नकली ऑयल भी बरामद किया गया है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मैनेजर सुनील कुमार निवासी दिल्ली ने सिविल लाइन थाने पर आवेदन दिया था। आवेदन में थाना सिविल लाइन में कार्रवाई करते हुए 20 बाल्टी ऑयल जब्त किया गया है जिसकी कीमत लगभग 60 यूरो बताई गई है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर कॉपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मामला आया है नकली ऑयल बेचने का, क्या मामला है और किस तरह की कार्रवाई की गई है? ये मामला क्या है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी दिल्ली से आए हुए थे, मिस्टर सुनील कुमार, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस के साथ फिर रेड की थी, तो सिविल लाइन थाने के पास ही विनीत गोयल और गिरिराज बंसल इन लोगों के कब्जे से करीबन 20 ड्रम नकली ऑयल के बरामद हुए हैं जिसमें कुल मात्रा 520 लीटर है और कीमत करीब 60,000 रुपये है। तो उन्होंने टेस्ट भी किया, सैंपल भी निकाले हैं और उसको सिद्ध किया है कि नकली ऑयल है और इसके कोई भी बिल्टी या उससे संबंधित दस्तावेज नहीं थे। इस संबंध में कॉपीराइट एक्ट का मुकदमा प्रकरण पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और शीघ्र ही इन्वेस्टिगेशन पूरा करके कोर्ट में पेश किया। डॉक्टर भगवत सहाय सभागार में युवा संवाद का आयोजन किया गया जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने युवाओं से संवाद किया।
प्रदेश के उच्च शिक्षा और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में 390 करोड़ रुपए की राशि शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु मंजूर की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में 3000 प्रोफेसरों की भर्ती भी प्रदेश सरकार करेगी। एक वर्ष में प्रदेश भर में 5000 क्लासों को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने गुरुवार को ग्वालियर के मेडिकल सभागार में युवा संवाद कार्यक्रम में यह बात कही। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने ग्वालियर में युवा संवाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के गुणात्मक सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में छात्रों को बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक मुन्नालाल गोयल ने की। इस मौके पर शाजापुर जिला के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुणाल चौधरी, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरुद्ध प्रताप सिंह और रसिंह पवार, संजय सिंह, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा MR कौशल, प्राचार्य श्री BL अहिरवार सहित बड़ी संख्या में प्रोफेसर छात्र छात्राएं उपस्थित थे। के रूप में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी हैं और अध्यक्षता माननीय जो है मन्ना लाल जी गोयल कर रहे हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, शासन की क्या मंशा है? शासन की मंशा है कि अपनी जो शिक्षा नीति है और युवा नीति है उसके ऊपर मतलब जो है विचार किया जाए। मंत्री जी ये चाहते हैं कि मतलब इसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या सुधार किए जा सकते हैं ताकि शिक्षा जो है और अधिक उपयोगी बन सके और जो है इस पर बच्चों के विचार लिए जाएं जो है और द्विपक्षीय संवाद हो। इसमें मंत्री जी भी बात करेंगे, बच्चे भी बात करेंगे, इस पर कुछ मतलब जो भी चिंतन निकल के आएगा फिर नीति बनेगी जो है। तो ये इसका उद्देश्य है कि वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है, जो समस्याएं हैं शिक्षा को लेके, चाहे गुणवत्ता का सवाल हो या छात्रों के व्यक्तित्व विकास का हो, ये सारे मुद्दे हैं उसमें जिन पर चर्चा होगी जो है। इसमें लगभग कितने कहां-कहां से छात्र शामिल? इसमें पूरे ग्वालियर जिले के समस्त शासकीय महाविद्यालयों के और अशासकीय महाविद्यालयों के, अनुदानित महाविद्यालयों के छात्र हैं, NGO के छात्र हैं, NCC NSS के सभी छात्र हैं जो है। कितने छात्र होंगे? लगभग 1200 छात्र हैं। मुरैना श्योपुर लोकसभा के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। बड़ा दुख की बात है, धन्यवाद। इसी के साथ वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी आए, माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। जयपुर के मुरैनगर के बाप और श्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने लोकप्रिय सांसद अनु मिश्रा जी से आग्रह कर रहा हूं। वो आए युद्ध के नगाड़े बज रहे, मिराज भी गड़गड़ा रहे, पाकिस्तान घबराया हुआ है, लेने के देने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया था कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं और किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं, और नहीं छोड़ने वाली सेना में सबसे सूरवीर सैनिक अगर है तो मुरैना मुरैना और चंबल की पवित्र धरती से। खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कल सीहोर में प्रदर्शन था, उसके पहले बालाघाट में प्रदर्शन था, उसके पहले देवास में प्रदर्शन था। हम संकल्पित हैं, अराजकता की स्थिति जो प्रदेश में पैदा हुई है, व्यवस्था की जो स्थिति बनी है, उस स्थिति को बनाने में जो जवाबदार और जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार है उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए, और वो हम निश्चित तौर पर करेंगे। क्या सरकार बनाने के लिए आपको मुरैना SP का ट्रांसफर हुआ है? बहुत गलत और अनुचित है ये। जो पुलिस अफसर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करे वो अगर हटा दिया जाए तो कोई अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा और प्रदेश में केवल जंगल का राज होगा। उस ट्रांसफर को तत्काल निरस्त करना चाहिए और जो ईमानदार पुलिस अफसर हैं उनको ताकत देनी चाहिए। मुरैना पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का डॉक्टर KN मिश्रा ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी का मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र का पालक बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने
आ रहे मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान के आने पर टेकरी चौराहे पर डॉक्टर के एन मिश्रा ने हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सांसद की सीट के लिए डॉक्टर के एन मिश्रा को टिकट देती है तो निश्चित तौर पर भाजपा की विजय मुरैना में होना निश्चित है। परिषद अध्यक्ष विमला भगवान सिंह ने बजट पेश किया जिसमें इस बार 72 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान रखा गया। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती विमला भगवान सिंह ने बताया कि इस बार 72,30,62,500 रुपए विकास कार्य में खर्च किए जाएंगे। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती विमला भगवान सिंह ने बताया कि मेरे द्वारा चुनाव के समय किया गया पानी के संकट का वादा मैंने पूरी तरह से निभाया है। बामौर कस्बे में करोड़ों रुपए की लागत से प्लुआ डैम से पानी लाकर बामौर के लोगों को उपलब्ध कराकर बामौर की पेयजल समस्या का निदान कराया गया है। मेरे कार्यकाल में आखिरी बजट सत्र है जिसमें नगर के समस्त वार्डों के विकास के लिए 72,38,25,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। पेश किया गया है 19-20 दिन का, तो उसमें कितना क्या आय है, वो क्या खर्चा है बताइए इसमें। हमारी नगर परिषद की आय शासन की योजना के अनुदान जी, हमारी संपत्ति कर समित कर, जल विभाग से हमारी आमदनी है, कुछ हमारे ठेके होते हैं जी, नीलामियाँ और भी हमारी नगर पालिका के कई तरह की फीसें जमा होती हैं, जैसे भवन मंजूरी है, कोई और भी मंजूरियाँ हैं, इनमें सब में फीस जमा होती है जी। टोटल मिलाकर 72 करोड़ ये बजट कितने का पेश किया गया है? पूरा बजट हमारा 72,38,25,000 जी। इसमें आय क्या है? इसमें आय हमारी 72 करोड़ नहीं, ये तो हमारी व्यय है आमदनी है जी। ये हमारी आय है 72,38,25,000 की जी। इसमें जो खर्चा अपन करेंगे वो कितना करेंगे? वो 72 करोड़। अध्यक्ष साहब, आपने एक वादा किया था चुनाव के समय और मेरा ख्याल है आपका चुनाव चिन्ह भी नली था, तो पानी के लिए आपने क्या व्यवस्था की है कि आने वाले समय में कभी बामर के वासियों को पानी की परेशानी तो नहीं हो रही, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? पानी के लिए देखिए ऐसा है, अभी कुल 3 टंकी चालू कर दी है, जिला डैम से पानी आ रहा है जी। शहर में पानी की पर्याप्त मात्रा में सब जनता को मिल रहा है जी। फिर भी क्षेत्र में कुछ आबादी प्रतिदिन हमारे यहाँ बहुत तेजी से बढ़ी है जी, और उसके लिए हम अगली परिषद में 2 टंकी का प्रावधान और रख रहे हैं जी। जो एक हमारा रेलवे के उधर के हिस्से में फूलपुर प्लांट पे जी, और एक हम बामौर गांव के साइड में वहाँ 2 टंकी का प्रावधान और रख रहे हैं, क्योंकि शहर में जो हमारी DBR बनी थी जी, उस हिसाब से हमको पानी 2030 में देना था जी, वो पानी हम आज ही बढ़ रहा है जी। हमारे पंप ठेकेदार जो चला रहा है उसका टेंडर है, उसे 22 घंटा पंप 2030 में चलाना है जी, वो आज 2030 में ना चलते हुए 2019 में ही 22 घंटे पंप चलते। 2 टंकी का निर्माण करा कर पानी समस्या करेंगे आप? और भी उसमें पानी की लेना पड़ेगी जी, गर्मी का समय है, अभी बरसात सर्दी के समय पानी कम लगता है जी, लेकिन फिर भी अपन उसके प्रयास करके आगे जनता को परेशानी ना आने देंगे, अपन पहले से तैयारी करके चल रहे हैं। थैंक यू। अब होगी आपसे कल मुलाकात, जब तक के लिए नमस्कार।